दोस्तों आज मैं ब्रेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि किसी रूम में बैठकर ड्रग के प्राइस को डिसाइड कर रही थी, जिनका नाम पेटुला और टिल्डा होता है। वो दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी और अब वो आराम कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिस कारण से वो विंडो से निकल कर भाग जाती है। अगली सुबह वो ट्रेन में बैठकर दूसरे सिटी जाने लगती है ताकि पुलिस उनको नहीं पकड़ सके, क्योंकि ड्रग डीलिंग की वजह से उनका नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ चुका था। ट्रेन के अंदर पेटुला वॉशरूम में जाती है जहां पर वो अपने बॉस को कॉल करती है और बताती है कि लास्ट नाइट पुलिस ने हम पर अटैक कर दिया था जिस कारण से सारा माल वहीं पर छूट गया, जो कि लगभग $80,000 का माल था। वो बात कर ही रही होती है लेकिन तभी बाहर से जोर जोर से कोई दरवाजा पीटता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वहां पर टीसी होता है जो कि उसे टिकट बताने के लिए कहता है, लेकिन उसके पास टिकट नहीं थी इसलिए वो टीटी को अंदर खींचकर अपने तरीके से उसके साथ डील कर लेती है। अब वो सड़क से जा ही रही होती है लेकिन तभी पास में बैठा हुआ भिखारी उन्हें डायन करके पुकारता है, लेकिन हमें नहीं समझ पाते कि उन्हें वो ऐसा क्यों कह रहा है। तभी उनके पास उनके फ्रेंड कोको का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उनके पास मात्र 48 घंटे बचे हैं अपने बॉस को उन ड्रग के पैसे चुकाने के लिए, क्योंकि वो उन पैकेट को उधार में लाकर बेचने वाली थी, लेकिन अचानक से पुलिस ने आकर उन पैकेट को जब्त कर लिया। दरअसल वो दोनों अपने फ्रेंड के घर पर जा रही थी जिसका नाम डेफनी होता है। उसी वक्त हमें बैकग्राउंड में उनके बचपन की स्टोरी पता चलती है। दरअसल ये तीनों फ्रेंड छोटे थे तो इनके बीच में काफी गहरी दोस्ती थी और वो बचपन में कई सारे गेम खेला करती थी और उन्हीं में से एक गेम होता है डॉक्टर डॉक्टर। उस गेम को खेलने के 3 रूल होते हैं। पहला कि उस गेम को हर कोई दिलचस्पी से खेलेगा, दूसरा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और तीसरा कि कोई भी इस गेम को बीच में नहीं छोड़ेगा। अब वो दोनों जिस घर में जा रही थी वहां पर उनकी फ्रेंड डेफनी अकेली रहती थी, और अगर वो दोनों उस घर में चली जाती तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग वो उस गेम को बीच में नहीं छोड़ सकती थी। अब टिल्डा एक स्कूल ड्रेस पहन लेती है और डेफनी के घर में जाती है जहाँ पर डेफनी खाना बना रही थी, और वहाँ पर टिल्डा डेफनी को मोम कह के पुकारती है। अब टिल्डा उसे माँ क्यों कहती है उसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार वो तीनों बचपन में हाउस में बैठकर डॉक्टर डॉक्टर गेम खेल रही थी, लेकिन टिल्डा उस गेम से काफी ज्यादा बोर हो जाती है इसलिए वो उस गेम को खेलने से मना कर देती है। असल में उस गेम का फॉर्मेट इस तरह होता है कि उसमें से कोई एक डॉक्टर बनेगा और बाकी 2 बच्चे माँ और बेटी बनेंगे। उस गेम में डेफनी मदर का और पेटुला डॉक्टर का रोल निभाती है, लेकिन टिल्डा को वो रूप पसंद नहीं आता क्योंकि वो डेफनी को मदर के रूप में स्वीकार नहीं करती, जिस वजह से टिल्डा और डेफनी के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिस झगड़े में डेफनी ट्री हाउस से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब डेफनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसके दिमाग पर गहरी चोट आई है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि डेफनी एक साइको है, और उस हादसे के बाद डेफनी उस डॉक्टर डॉक्टर गेम को हकीकत में मानने लगी है, और इसी वजह से वो टिल्डा को अभी भी डॉक्टर मानती है। वो टिल्डा को खाना खिलाती है। दरअसल ये कई सालों बाद मिले थे, लेकिन डेफनी को ऐसा लगता है कि टिल्डा अभी अभी स्कूल जाकर आई हो। डेफनी के रूल काफी ज्यादा सकते थे इसलिए वो टिल्डा के नाखून को देखकर उसे तुरंत धोने के लिए कहती है, और जब टिल्डा उन्हें नहीं धोती तो डेफनी उसे कैंची से काटने लगती है, लेकिन उसी वक्त कोई बाहर से डोरबेल बजा देता है और वो कोई और नहीं बल्कि पेटुला होती है जो कि एक डॉक्टर बनके उस घर में आती है। अब डेफनी उस डॉक्टर को बताती है कि मेरी बेटी को बहुत ज्यादा सर्दी और खांसी हो रही है, इसलिए पेटुला उसका चेकअप करती है और उसके ट्रीटमेंट में उसके घुटनों पर एक हैमर मारती है। अब तक जो भी हुआ वो एक थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इन सब के पीछे कोई वजह है। दरअसल डेफनी के घर में एक सीक्रेट तिजोरी होती है जिसमें बहुत सारा पैसा होता है। अब डेफनी एक साइको है जिस कारण उसे पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं है, और पेटुला और टिल्डा को अगले 48 घंटों में $80,000 का जुगाड़ करना था, इसलिए ये दोनों मिलकर डेफनी के घर में उस तिजोरी को चुराने का जुगाड़ जमाती है, और इसी वजह से वो दोनों डॉक्टर और डॉटर का रोल प्ले कर रही है ताकि उस घर में कुछ देर रुककर वो तिजोरी को चुरा सके। अब डेफनी डॉक्टर के लिए खास डिश बनाती है और टिल्डा को वहीं पर बांध देती है ताकि वो खाना को छोड़कर कहीं ना जा सके। अब उनके पास मात्र 41 घंटे बचे थे, और अब डेफनी डॉक्टर से कहती है कि तुम काफी ज्यादा थक गई होंगी इसलिए मैं तुम्हें अपना रूम दिखा देती हूँ जहाँ पर पेटुला आराम करने के लिए सो जाती है। लेकिन मिडनाइट में अचानक से उसके डोर की कुंडी को कोई घुमाता है। पेटुला सोचती है कि वो टिल्डा ही होंगी, इसलिए वो उठकर वहां से बाहर जाती है और वहां पर उसे डेफनी
डेफनी दिखाई देती है और डेफनी पेटुला को कहती है कि मुझे अकेले नींद नहीं आ रही और मैं तुम्हारे पास सेफ फील करती हूँ। और ये कहने के बाद वो पेटुला को किस करने लगती है। दरअसल डेफनी ने पेटुला को अपने पास बुलाने के लिए ही दरवाजे को नॉक किया था। अगली सुबह टिल्डा मेल बॉक्स के पास अपना फोन चेक कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर पेटुला आ जाती है और टिल्डा उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है क्योंकि वो इस साइको के साथ रहकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है और साथ ही उसे ये भी लगता है कि डेफनी ने सारे पैसे किसी बैंक में डाल दिए हैं। लेकिन पेटुला कहती है कि हमें कुछ और कोशिश करनी चाहिए, शायद हमें वो तिजोरी मिल ही जाए, क्योंकि अब उनके पास केवल 28 घंटे बचे थे। इसके बाद पेटुला उस घर में जाती है और उस तिजोरी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इसी कोशिश में डेफनी उसे हाथ में काट देती है जिस कारण से पेटुला काफी ज्यादा डर जाती है और चाबी लेकर बाहर की ओर भागती है और टिल्डा को वहां से चलने के लिए कहती है। लेकिन उसी वक्त डेफनी पीछे से आ जाती है और उन दोनों को मार कर बेहोश कर देती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम सीगल होता है और वो तैयार होकर अपनी गाड़ी लेकर ड्यूटी के लिए निकलता है। उसे टिल्डा और पेटुला के ड्रग केस को लेकर छानबीन करने का ऑर्डर मिलता है। दूसरी तरफ हम टिल्डा और पेटुला को देखते हैं जिसे डेफनी ने बांध दिया था और वो पूरी तरह पागल होकर उन दोनों से बातें कर रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब डेफनी देखती है तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव सीगल होता है। सीगल कहता है कि तुम्हारे पड़ोसी ने कंप्लेंट की है कि नाइट में तुम्हारे घर से किसी लेडी की चिल्लाने की आवाज आती है। डेफनी कहती है कि मैं इस घर में अकेले ही रहती हूँ। इसके बाद सीगल समझ जाता है कि इस घर से आवाजें क्यों आती है। वो घर के अंदर आता है और यहाँ पर कुछ छानबीन करने लगता है। उसे उस घर में उन तीनों की फोटो मिलती है जिसे देखकर सीगल कहता है कि मैं इन दोनों को जानता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि रिसेंटली ये दोनों कहाँ पर है। जिस पर डेफनी कहती है कि मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। दरअसल सीगल इन दोनों को इसलिए जानता है क्योंकि बचपन में हुए उस इंसिडेंट के बाद सीगल ने ही उन दोनों लड़कियों से पूछताछ की थी और वो उन दोनों की दोस्ती को भी बहुत अच्छी तरह जानता था। इसलिए सीगल डेफनी से एक और बार पूछता है क्योंकि उसे अभी भी शक होता है कि ये दोनों लड़कियां इसी घर में है। लेकिन डेफनी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है जिस कारण से सीगल उन दोनों की मिसिंग रिपोर्ट के बारे में बोल देता है, जिससे सीगल को पूरा भरोसा हो जाता है कि वो दोनों इसी घर में है। अब सीगल यहाँ से जा ही रहा होता है लेकिन ठीक उसी समय सीगल को ऊपर से आवाज आती है जिस कारण से सीगल ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन डेफनी उसे सर्च वारंट दिखाने के लिए बोलती है। ऑफिशियली उसके पास कोई भी वारंट नहीं था इसलिए वो वहां से चला जाता है। लेकिन जाते वक्त वो उससे कहता है कि अगर वो दोनों इस घर में हैं तो मैं वारंट के साथ जरूर वापस आऊंगा, क्योंकि अब उन दोनों लड़कियों का नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। इसके बाद डेफनी ऊपर जाती है और रूम की सारी खिड़कियां ब्लॉक कर देती है ताकि वो उन दोनों को फिर से सिक्योर कर सके। दूसरी तरफ वो दोनों खुद को फिर से फ्री कर लेती है और तिजोरी को ढूंढने लगती है। रात में डेफनी वहां पर खाना लगा देती है और पेटुला को कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इस हवेली के कुछ रूल को ध्यान में रखते हुए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जहाँ पर मेरी प्यारी डॉल रखी हुई है वहाँ पर मिरर दिन के अंत की ओर बढ़ रहा होगा और जब तुम समय के जादू को तोड़ोगी तो ये कब्र खुल जाएंगी। पेटुला को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है, इसलिए टिल्डा उसे समझाती है कि ये एक पहेली है और वो इस पहेली के जरिए हमें उस तिजोरी का रास्ता बता रही है। अब टिल्डा उसे जल्दी से तिजोरी को ढूंढने के लिए कहती है। वो पहेली के स्टेप को फॉलो करती है और उसे एक स्टेच्यू मिलता है। उस स्टेच्यू के नीचे उसे एक हॉल का रास्ता मिलता है। वो जल्दी से उस हॉल में जाती है जहाँ पर उसे एक और कोड मिलता है। उस पहेली को सॉल्व करने के बाद उसे एक पेंटिंग के नीचे एक तिजोरी मिलती है और वो सभी कोड को कंबाइन करके उस तिजोरी के पासवर्ड में एंटर करती है जिससे वो फाइनली वो लॉक खुल जाता है। अब वो सभी पैसों को बैग में पैक करती है और भागते हुए टिल्डा के पास जाती है और वो टिल्डा को बताती है कि हमें पैसा मिल चुका है और आज रात को हम यहाँ से निकल जाएंगे। रात होने पर वो लैंप लेकर वहां से निकल जाती है और रोड पर गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है लेकिन कोई भी उनके लिए गाड़ी नहीं रोक रहा था। लेकिन अचानक से एक कार पेटुला को ठोक देती है। वो कोई और नहीं बल्कि डेफनी होती है जो उन्हें वापस से घर में ले आती है। घर में लाने के बाद वो उन दोनों को बांध देती है। पेटुला काफी ज्यादा दुखी होती है इसलिए डेफनी एक चाकू से उसके फेस पर स्माइल कट लगा देती है ताकि वो उसे स्माइल करते हुए देख सके। दूसरी तरफ हम उस भिखारी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये दावा करता है कि मैंने उन दोनों लड़कियों को देखा था। डेफनी टिल्डा और पेटुला को काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद कहती है कि तुम इस गेम को छोड़कर जा सकती हो, मगर उन्हें एक पेपर दिखाती है जिनमें उनकी मोस्ट वांटेड की न्यूज छपी होती है।
अब डेफनी उन दोनों को यहाँ से जल्द जाने के लिए कहती है और साथ ही उन्हें बताती है कि मेरा एक बेबी आने वाला है। टिल्डा उसे पूछती है कि कैसा बेबी, जिस पर वो उसे बताती है कि मैं पेटुला की वजह से प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। और इस बात को सुनकर टिल्डा जोर जोर से हंसने लगती है। मगर तभी पेटुला डेफनी के इस पागलपन को फायदे में बदलने की सोचती है और कहती है कि डेफनी तुम्हें इमीडिएट एक सर्जरी की जरूरत है। इसके बाद दोनों मिलकर डेफनी को एक जगह पर लिटा देती है और उसकी सर्जरी के बहाने उसे मारने की तैयारी करती है। लेकिन उसी वक्त वहां पर सीगल पहुंच जाता है जो उन्हें गन पॉइंट पर लेके पीछे हटाकर नीचे बिठा देता है। जब सीगल उन दोनों के पास जाता है तो उसी वक्त डेफनी उठकर सीगल के पीठ में चाकू घोंप देती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो तीनों मिलकर सीगल को बहुत ज्यादा मारती है। इसके बाद वो सीगल को एक पॉलीथिन में पैक करके कब्र खोद कर उसमें गाड़ देती है और साथ ही सबूत मिटाने के लिए उसकी कार को पानी में धकेल देती है। अब हम उन तीनों को एक ही ड्रेस पहने हुए डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं जो कि खुशी से अपना डिनर इंजॉय कर रही है। अब अगली सुबह पेटुला टिल्डा को ढूंढने के लिए बाहर जाती है लेकिन अचानक से उसे वहां पर सीगल दिखाई देता है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तब तक वहां पर टिल्डा और डेफनी आ जाती है जो कि उसे अंदर चलने के लिए कहती है। तब पेटुला को मेल बॉक्स में एक छल्ला मिलता है जो कि उसने सीगल की बॉडी के साथ दफना दिया था। इसके बाद वो सीगल की कब्र को खोदती है लेकिन उसे वहां पर सीगल की डेड बॉडी नहीं दिखाई देती, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और भागते हुए हवेली के अंदर जाती है और उसे कमरे में बेड के नीचे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें इस ड्रग केस और सीगल की मौत के बारे में पहले से लिखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी वहां पर डेफनी आती है और उसे बताती है कि यहां पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब मैंने पहले ही प्लान करके डायरी में लिखा हुआ था। पेटुला को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहां पर चल क्या रहा है। तब डेफनी उसे अपना हाथ देखने के लिए कहती है। जब पेटुला अपने हाथ को देखती है तो उस पर काफी सारे कट होते हैं। इसके बाद डेफनी उसे बताती है कि जितने कट तुम्हारे हाथ पर है उतनी बार तुम यहाँ पर आ चुकी हो। अब यहाँ पर मूवी का मेन पॉइंट रिवील होता है और हमें पता चलता है कि डेफनी, टिल्डा और पेटुला तीनों ही एक साइको हैं और जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है ये सब एक गेम का हिस्सा है और लगातार कई सालों से ये गेम इस सुनसान हवेली में चलता आ रहा है। तिजोरी ढूंढते वक्त पेटुला के हाथ पर जो कट लगा था वो उसका पहला राउंड था और बार बार ही यही राउंड चल रहा था, इसलिए पेटुला को सीगल की बॉडी कब्र में नहीं दिखाई देती क्योंकि असल में सीगल है ही नहीं, वो सिर्फ क्राइम दुनिया से लिया हुआ एक काल्पनिक नाम है और ना ही कोई ट्रेन होती है और ना ही कोई सीगल की गाड़ी। उस भिखारी और उस बड़ी हवेली के समेत सभी कुछ एक खिलौने का संसार होता है जो इन तीनों पागल और साइको लड़कियों ने मिलकर बनाया है। असल में वो तीनों एक कपड़े के बनाए हुए टेंट में बैठी है। अभी तक जो कुछ भी हमने देखा ये सब कुछ एक टेंट के अंदर हुआ था क्योंकि बाहर की दुनिया उन लोगों के लिए बेकार है। इसके बाद वो तीनों लोग एक साथ में नहाकर अलग अलग सुसाइड कर लेती है और आखिरी में हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि डेफनी होती है और बाहर से टिल्डा स्कूल से वापस आती है जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। इसका मतलब कि ये साइको गेम चलते हुए उनकी पूरी उम्र बीत चुकी है और इस गेम में हर एक होने वाली एक्टिविटी काल्पनिक है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।